आप यहीं रुकिए। रुक! तुझे शर्म नहीं आई? प्लीज सर, माफ कर दीजिए, मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। फिर किसके कहने पर किया? कौन है तेरा बॉस? बोल जल्दी, नहीं तो हड्डी पर से सबित कर दूंगा। चोरी करता है सर, इन्होंने इन्होंने मुझसे ये सब करवाया। ये मेरे पुराने बॉस हैं, सालों से इनके लिए काम करते आ रहा हूं। साले झूठ बोलता है, मैं तुझे जानता भी नहीं हूं, कौन है तू? सर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बैग चुराने के लिए पैसे दिए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता, ये देखिए सर कार्ड। अब आप ही बताइए सर, अगर मैं इन्हें नहीं जानता तो इनका कार्ड मेरे पास कैसे आता? सर ये लड़का झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये बोल कहां से लाया? रुको संस्कार, छोड़ो। ए रुक, रुको। तुम्हारी असलियत अब समझ में आ गई, झूठ वो नहीं तुम बोल रहे हो। तुम इन पैसों का गबन करना चाहते हो? जिस तरह से मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा था, आज मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। You are fired. करने वाले ये लोग, ना ना आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जमीन बिक जाएगी, मैं बोल रही हूं ना ना, आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो ना जी, मैं पूजा कर रही हूं ना। अच्छा वो सब छोड़ो, आप परेशान ना हो और मारे को ये बताओ ना, आपकी तबीयत कैसी है? जाते वक्त भी तो ठीक ना थी? ना ना आप उसकी चिंता ना करो, आपको पता है जे संस्कार और लक्ष दोनों की नौकरी लग गई है। हाँ, और जे संस्कार के पास ने ना बहुत सारे पैसे देने का भी वादा किया है ना जी, सब बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। अरे संस्कार, तू आ गया छोरे, ना कैसा रहा आज का दिन? ला मैं तेरे लिए चाय बना के रखूं। मॉम, स्वरा, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ संस्कार? बोल ना छोरे। मेरी मेरी नौकरी चली गई। अरे वाह, यह तो खुशखबरी है सुजाता। पर एक बात कहूं, आप
अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर इतनी जोर शोर से ना दी थी जितनी वहां के बेरोजगार होने की खबर दे रही है। ये हुआ दंगाली में आटा गीला होते ही पैरों तले जमीन खिसक गई के। दादी साहब हाँ। हमने सुना था कि अच्छे लोगों के साथ तो कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये अच्छाई के पुतलों के साथ सिर्फ बुराई हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो टॉर्चर करने के अलावा और कोई काम नहीं है। बस भाभी अपने किए का ब्लेम भगवान जी पर मत डालिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप लोगों ने करवाया है। हमने करा है सोरा, तो क्या कर लोगे? तुम्हारे बड़े माँ और बड़े पापा गिरवी रखे हैं मेरे पास। तुम्हें यहां बहस करने की जगह उन्हें बचाने की कोशिश करो, समझे? भैया आपकी ये चालें आपकी ये मुश्किलें हमें अपने रास्ते से भटका नहीं सकती। हम अपने माँ पापा जी को वापस ला कर रहेंगे। और ये सुरागिनी का वादा है आपसे। हेलो, अगली डिलीवरी तुम्हें कल करनी है, फ्री रहना और ध्यान रहे इस बार का पार्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ 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 ठीक है, काम हो जाएगा। संस्कार संस्कार प्लीज ऐसे हार मत मानो, एक नौकरी गई है तो क्या हुआ दूसरी मिल जाएगी। कितनी बार तुमने इससे भी डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना किया है, उन सबसे बाहर निकले हो तुम। रेस्ट मी संस्कार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो, प्लीज। चेंज करके आता हूँ। सारे हालात इस वक्त हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना भैया और भाभी माँ पापा जी की जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर कर देंगे। मेरे पास एक प्लान है रागिनी। क्या?
माँ आप यहाँ? नहीं लक्ष्य, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है बेटा। मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ, मुझसे किसी ने कहा नहीं। झूठ बोल रही है ना आप, क्योंकि आपकी आंखें सच बता रही हैं। क्यों कर रही है माँ आप ये सब? बस बहुत हो गया, चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं लक्ष्य, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ के नहीं जा सकती। लक्ष्य, इस पैकेट में क्या है बेटा? अब आप ही समझिए ना कि हमें बड़े पापा और बड़ी माँ को बचाना कितना जरूरी है। जी, हम आपकी सारी बात समझ गए हैं। इनफैक्ट आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आपकी पूरी तरह मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच। जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे लिए पार्सल लेना बहुत जरूरी है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। लक्ष्य, तुम लोग और ये पार्सल के चीना बोल। बोल साले, अगर आज नहीं बोल पाए तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। हम वासु की दुश्मन के गैंग के लोग हैं, हमारे बॉस ने ये पार्सल चुराने कहा था। हाथ को क्या लकवा मार गया है, या फिर शरीर में खून की कमी के वजह से कमजोरी आ गई है जो इतने धीरे काम कर रही है आप? चलिए जल्दी कीजिए। ये देखिए, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के हमारे घर के अंदर आने की? और ये किन राह चलते लोगों को अपने साथ लेकर आई हो तुम दोनों?
भाभी ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, यानी मानव अधिकार आयोग, और किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत हो रहा और ये लोग इंसाफ दिलाते हैं जिनके साथ गलत किया जाता है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ हैं ताकि ये हमारी मदद कर सके। आप दोनों की कैद से माँ पापा जी को छुड़ाने आए हैं। एक मिनट, आप लोग अंदर कैसे आ गए? ये महेश्वरी हाउस है, कोई धर्मशाला नहीं है। चलिए निकलिए यहां से। बड़ी माँ बताइए इन लोगों को कि भैया और भाभी किस तरह से जबरदस्ती आप दोनों को इस घर में रख रहे हैं। कितना गंदा बर्ताव कर रहे हैं आप दोनों के साथ। बड़ी माँ दिखा दीजिए इन लोगों को कि इन लोगों ने बड़े पापा को किस तरह से रखा हुआ, ये जानते हुए कि बड़े पापा की एक मेजर सर्जरी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तो ठीक है या अच्छे हैं। बड़ी माँ सुन लिया आप लोगों ने, नाउ प्लीज लीव। एक सेकेंड, माँ को जो कहना था आप लोगों ने सुन लिया, पर अब पापा जी को जो कहना है आप वो भी सुन लीजिए। आप खुद देख लीजिए किस हालत में इन लोगों ने हमारे पापा जी को रखा है। आप सब प्लीज प्लीज आइए हमारे साथ। चलिए बड़ी माँ। हाउ डेयर यू, ये हमारा घर है, कोई गार्डन नहीं जहां पे तुम आराम से इस तरह से घूम रही हो। भाभी आज आप तो क्या, भगवान भी चाहकर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते।